दोस्तों महामाया जिनका एक स्वरूप माता शक्ति अथवा माँ पार्वती भी हैं, उन्होंने कई बार ऐसे अवतार लिए हैं फ्रेंड्स जो न केवल बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं बल्कि बहुत ही ज्यादा उग्र भी हैं। माँ की उन्हीं अवतारों में से एक अवतार है देवी प्रत्यंगिरा का अवतार, जो इतना ज्यादा शक्तिशाली और अद्भुत था कि जिनके मात्र एक दहाड़ से भगवान श्री विष्णु के नरसिंह अवतार और भगवान शिव के सर्व अवतार को भी भयभीत कर दिया था। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको देवी शक्ति के इस महाप्राकर्मी शक्तिशाली अवतार की महिमा के बारे में जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स माँ शक्ति की प्रत्यंगिरा अवतार के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। प्रत्यंगिरा अवतार भगवान श्री विष्णु रुद्र तथा दुर्गा देवी के एकीकृत रूप हैं। इस अवतार में इनका सिर सिंह का है और शेष शरीर नारी का है। महादेवी के इस विकराल रूप ने ही प्रभु नरसिंह और प्रभु सरभ में हो रहे भीषण युद्ध पर रोक लगाई थी। उन्हें अपराजिता तथा निकुम्बला के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि रावण के कुल की आराध्या देवी प्रत्यंगिरा ही थी। प्रत्यंगिरा देवी को दक्षिण भारत में अथर्वणा भद्रकाली के नाम से भी जाना जाता है। रामायण में भी मां प्रत्यंगिरा का उल्लेख मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने यह उग्र अवतार क्यों लिया था? दोस्तों शिव पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ था तो उनका क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव ने सर्व अवतार लिया। भगवान शिव का यह अवतार दो गरुड़ पंख, शेर के पंजे, सिंह मुख, जटाएं तथा चंद्रमा लिए हुए था। उनका यह अवतार इतना बड़ा था कि इस अवतार ने भगवान नरसिंह को पंजों में जकड़ लिया था तथा उन्हें चोंच मारकर घायल करने लगे थे, लेकिन उनके ऐसा करने से भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। अपने ऊपर होते इस प्रहार को देखकर भगवान नरसिंह अवतार ने उससे भी भयानक तथा बड़ा रूप धारण कर लिया। गंड भेरुद अवतार था जो दो पक्षी के मुख वाला था। अब सरभ तथा गंड भेरुड अवतार के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया जो 18 दिनों तक चलता रहा। इस युद्ध का अंत नहीं दिख रहा था और समस्त लोग इस युद्ध से त्राही त्राही कर रहे थे। दो सर्वश्रेष्ठ देवता के शक्तिशाली और उग्र अवतारों के युद्ध को रोकने की क्षमता किसी में नहीं थी। तब देवी शक्ति ने उनसे भी भयंकर अवतार धारण कर लिया जो प्रत्यंगिरा अवतार था। माँ शक्ति का यह अवतार भगवान शिव के सर्व और विष्णु जी के नरसिंह अवतार से ही मिलता जुलता था, लेकिन इसमें उन दोनों अवतारों नरसिंह व गंड भेरुड की शक्तियां सम्माहित थी और उन दोनों से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। देवी प्रत्यंगिरा का रूप धारण करके मां आदि शक्ति सर्व तथा गंड भेरुड अवतार के पास गई और एक जोरदार चिंघाड़ मारी। उनकी इस चिंघाड़ को सुनकर सर्व और गंड भेरुड दोनों में भय व्याप्त हो गया और दोनों ने तुरंत युद्ध रोक दिया तथा अपने असली अवतार में वापस आ गए। इस प्रकार इन दोनों का युद्ध समाप्त हुआ। दोस्तों देवी प्रत्यंगिरा नारायण तथा भगवान शिव दोनों की विनाशकारी शक्ति रखती हैं। उनका शेर और मानव रूपों का यह संयोजन अच्छाई और बुराई के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। इन्हें अघोर लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, पूर्ण चंडी, अथर्वण, भद्रकाली आदि नामों से भी भक्तों द्वारा संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों यह थी जानकारी माँ शक्ति का एक बेहद ही शक्तिशाली स्वरूप देवी प्रत्यंगिरा के बारे में। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।